नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। हर साल 28 फरवरी को ये खास दिन नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आज है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हर साल विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में हर वर्ष मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज के कारण ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा 28 फरवरी 1928 में भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की थी। इस खोज के लिए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य विद्यार्थियों की विज्ञान के प्रति आकर्षित करना होता है, साथ ही विज्ञान को जनसाधारण तक उपलब्ध कराना होता है। हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में हो रहे विकास विज्ञान के कारण ही संभव हो पाते हैं। विज्ञान के माध्यम से नागरिक तकनीक और ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। इस दिन पूरे भारत में वैज्ञानिक सोच का प्रसार करना होता है, साथ ही विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाना और लोगों में वैज्ञानिक सोच को पैदा करना होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन सभी विज्ञान संस्थानों जैसे प्रयोगशालाओं, एकेडमी, स्कूल, कॉलेज आदि में वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय व दूसरे पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है और विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए विशेष पुरस्कार भी दिए जाते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने श्रीलंका को तीसरे और आखिरी टी20 में 6 विकेट से हरा दिया है। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने श्रीलंका के 147 रन के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर और 19 गेंदें शेष रहते हुए हासिल कर लिया। चमीरा की अतिरिक्त उछाल लेती गेंद ने उन्हें आउट कर दिया। दिलचस्प है कि टी20 अंतर्राष्ट्रीय में चमीरा ने रोहित को 6 बार आउट किया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 28 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1580 में गोवा से पहला ईसाई मिशनरी फतेहपुर सीकरी में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में पहुँचा था। 1712 में बहादुर शाह जफर ने लाहौर में अंतिम सांस ली थी। 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1936 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का निधन हुआ था।
1943 में कोलकाता का हावड़ा पुल रविंद्र सेतु शुरू हुआ था। 1944 में भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक रविंद्र जैन का जन्म हुआ था। 1963 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ था। 1986 में स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे की स्टॉकहोम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1993 में ईरान में भारी पैमाने पर आई बाढ़ में करीब 500 लोगों की मौत हुई थी। इसे देश की अब तक सबसे घातक प्राकृतिक आपदा कहा गया है। 2002 में यूरो जोन के देशों में उनकी राष्ट्रीय मुद्रा के चलन का अंतिम दिन था। इसके बाद सभी देशों की मुद्रा यूरो हो गई। 2005 में मिलियन डॉलर बेबी को 4 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे। और आज ही के दिन सन 2013 में पोप बेनेडिक्ट 16 ने इस्तीफा दिया था। करीब 600 साल में ये पहला मौका था जब पोप ने अपना पद छोड़ा हो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असमादित्य। नमस्कार।